अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये आगाह कर देना चाहती हूँ कि जिस खास मकसद से अर्थात सपा व बसपा के बन रहे मेल झोल को तोड़ने के लिए बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने जानबूझकर व एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार को कल हरवाया है, उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये सोच रहे होंगे कि वाह वाह, बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर। अब मायावती बहुत गर्म मिजाज की है, ये अलायंस टूट जाएगा, ये जो इनमें तालमेल बन रहा है इससे ये खराब हो जाएगा, और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कल जो भी राज्यसभा का नतीजा आया है उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है, और इससे अब आगे चलकर बीजेपी का ये षड्यंत्र इनको और भी ज्यादा महंगे पड़ने वाला है। ये हरा तो दिया, लेकिन अब हमारी पार्टी के लोग और मुझे लगता सपा के भी लोग और ज्यादा मेहनत के साथ, जिद के साथ बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने के लिए जब लोकसभा का आम चुनाव होगा सन 2019 में, तो इनके कैंडिडेट को हराने में पूरी ताकत झोंक देंगे।